हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फ्लेवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साग। साग पंजाब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाता है। सरसों पालक का साग मक्का की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए देखते हैं। साग बनाने के लिए मैंने आधी किलो पालक लिया है, 250 ग्राम सरसों लिए मैंने, काली सरसों लेंगे हम, 50 ग्राम मेथी ली है, 250 ग्राम बथुआ लेंगे। इस पूरे साग को हम साफ कर लेंगे, इनकी जड़ें तोड़ लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून मक्की का आटा, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, 1 टेबलस्पून बेसन, सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे हम, अदरक हमने ली है, घिया कस कर लिया है अदरक को, लहसुन की 6 से 7 हमने कलियां छील ली हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, गरम मसाला लेंगे, स्वाद अनुसार नमक। चलिए शुरू करते हैं। जड़ों को काटने के बाद हमने पूरे साग को काट लिया है चाकू की मदद से और इसे अच्छे से धो लिया है। अच्छे से धोने के बाद इसे छन्नी में छान लेंगे जिससे पानी निकल जाए और इसे कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। अच्छे से दबा दबा के पूरे साग को हमें इसमें डाल लेना है। अगर आपको लगता है कि साग ज़्यादा है तो उसे आप थोड़ा सा आँच लगाएंगे तो भी पत्ते नीचे बैठ जाते हैं। मतलब आधा साग डालिए, उसके बाद आप देखेंगे एक मिनट भी अगर आप आँच पर छोड़ेंगे कुकर को तो नीचे बैठ जाएगा, फिर बचा हुआ साग आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए ये कुकर में हम साग डाल चुके हैं। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, और नमक ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच नमक हम डालेंगे, साग के अकॉर्डिंग जितना हमारा साग होगा। इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा अंदर दबा देते हैं। अब कुकर में हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। ये देखिए हमारा साग उबल चुका है, इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम जार में डालकर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हमें साग डालने के बाद जो हमने कसी हुई अदरक ली है वो हम इसमें डाल देंगे जो कि साग के साथ पिस जाए। हम एक बार ही ग्राइंड करेंगे साग को। देखिए साग बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें जो हमने 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया था वो डालेंगे, 2 टेबलस्पून मक्की का आटा था वो ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है वो ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके चम्मच से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे चलाएंगे। ये हम दोस्तों आलन तैयार कर रहे हैं, इसे आलन बोला जाता है। हम इसको इसलिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि जब हम इस पेस्ट को साग में डालें तो उसमें गांठें ना पड़े, इसीलिए हम इसे अलग बर्तन में पहले ही पेस्ट तैयार कर ले रहे हैं। देखिए चम्मच से इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए। अब कुकर को गैस पर रखकर उसे गर्म होने देंगे और जो हमने साग ग्राइंड किया था उसे इसमें डालेंगे। अब इस साग में मैं 1 मग पानी डालूंगी। आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं क्योंकि हम साग को पकाने वाले हैं काफ़ी देर, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो इसीलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हमने जो आलन तैयार किया था तीनों आटा मिक्स करके वो इसमें ऐड करेंगे। इसे चलाएंगे। अब हम लाल मिर्च लेंगे या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं या कम तीखा खाते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच या आधे से कम,
और इसे मिलाएंगे। अब इसे थोड़ा मंदी आंच करके इसके ऊपर हम जो दूध की जाली होती है उसे ढक देंगे। इस जाली को ढकने का पर्पज़ ये है कि जब साग में उबाल आएगा तो आपकी दीवारों पर गैस पर छींटे ना पड़ें और साग भी अच्छे से उबल जाए। इसे प्लेट से नहीं ढकेंगे, जाली से ढकने से ही ज़्यादा अच्छे से पकेगा। और आप अपने बर्तनों को मतलब चूल्हे को और दीवार को छींटों से बचा सकते हैं, इसीलिए इस पे हम जाली ढक्के से पकाएंगे काफ़ी देर। आप 15 से 20 मिनट इसे मंदी आंच पे पकने दें। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं साग को। अब हम इसे बंद करके उतार लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे और हमने जो लहसुन लिया था उसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे। अब हम छौंक लगा रहे हैं ऐसे साग में, हल्का सा ब्राउन होने दें लहसुन को। अगर आपके घर में लहसुन नहीं खाया जाता है तो आप खाली तेल या घी में भी अपने साग को छौंक सकते हैं। दोस्तों आप साग छौंकने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों के तेल में भी छौंक सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, हींग से साग का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। 2 चुटकी हींग डाली है मैंने इसमें। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है लहसुन, इसमें अब मैं साग ऐड कर दूंगी। और हमारे साग में अब लहसुन का तड़का लग चुका है। ये देखिए हमारा साग खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब साग में ऊपर से मैं घी ऐड कर रही हूँ और इसे मिलाने के बाद हम साग को सर्व करेंगे। आप चाहें तो साग में ऊपर से घी ऐड कर सकते हैं, साग में जितना घी डला हो उतना ही साग ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए साग और मक्के की रोटी बिल्कुल तैयार है। मक्के की रोटी की रेसिपी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।